यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने बड़ा बयान दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त करनाल पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, और साथ ही इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि पैनी चौधरी के घर जाकर परिजनों को सांत्वना दी। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए अशोक तंवर ने कहा कि दलितों पर अत्याचार कर रही है सरकार, ये बात उन्होंने कही है। और साथ ही सरकार दलितों पर अत्याचार कर रही है, ये बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कही। और इसके अलावा आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से ये कानून कमजोर होगा, ये बात कही गई अशोक तंवर की ओर से। और साथ ही कहा कि सरकार इसमें रिव्यू याचिका दायर करे, ये मांग की गई है। और करनाल पहुंचे आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, और इसी दौरान उन्होंने ये बात कही कि दलितों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, सरकार की ओर से रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की मांग जो है वो की गई अशोक तंवर की ओर से। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये एक्ट कमजोर होगा। आपको बता दें कि आज करनाल में पैनी चौधरी के घर पर पहुंचे थे अशोक तंवर, जहां पर उनके परिजनों से मुलाकात की और साथ ही परिजनों को सांत्वना दी। लेकिन इसी दौरान उन्होंने दलितों को लेकर कहा कि दलितों पर अत्याचार सरकार की ओर से किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं सीएसटी एक्ट में बदलाव के, उससे ये कानून कमजोर होगा। और साथ ही उन्होंने मांग की है, अशोक तंवर ने मांग की है कि सरकार इसमें रिव्यू पिटीशन दायर की है। हालांकि आपको बता दें कि रिव्यू पिटीशन भी इस मामले में सरकार की ओर से दायर कर दी गई है, और आज देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। ज्यादा जानकारी लेंगे, केसीआरए हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं करनाल से। केसीआरए, क्या कुछ और कहा अशोक तंवर ने इस दौरान? देखिए अवंतिका, आप भी आज जो है ना करनाल जो पैनी चौधरी हैं, जो को पायलट थी और वो एक हादसे में जो है ना उनकी मौत हो चुकी थी, उनके घर गए, वहां पर पहुंचे हैं और अशोक तंवर ने उनके परिजनों को जो है ना बेटी की मौत पर जो है ना उनको शोक प्रकट किया, सांत्वना दी और लगभग 10 मिनट उनके निवास स्थान पर उनके साथ बैठने के बाद जो है ना उन्होंने बाहर आकर जो है ना मीडिया से बातचीत की। और मीडिया से बातचीत में आज अशोक तंवर ने जो कल बताया था कि वो प्रदर्शन में भाग ले सकते हैं, परंतु पुलिस द्वारा उनको मना करने के बाद जो है ना वहां पर वो नहीं गए, प्रदर्शनकारियों में शामिल नहीं है। परंतु उन्होंने एक जगह मीडिया से बातचीत में कहा कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है कहीं ना कहीं सरकार इसमें रिव्यू पिटीशन जो है ना दायर करे, याचिका लगाए, ताकि जो है ना दलितों के ऊपर जो कोई ना कोई जो कानून कमजोर किया जा रहा है और दलितों को कमजोर करने की जो क्वायद चली गई, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश आया उनको कहीं ना कहीं सरकार याचिका लगाकर जो है ना वापिस कराए। और इसी को लेकर आज पूरा हरियाणा और भारत में बंद किया गया। उन्होंने कहा कि जो दलित सभी जो है ना शांति अपना प्रोटेस्ट करे, प्रदर्शन करे, परंतु जो देखने को मिला इन दलितों द्वारा जो अनाज जाम लगाया गया जीटी रोड पर, लगभग अभी 2.5 घंटे से जाम है, पूरे 11 बजे जाम लगा दिया गया था, सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ पर नीलमर कुटिया पर जो है ना करनाल में जाम लगाया गया, यात्री जो है ना वाहनों को जीटी रोड वाले तो दूसरे रास्तों से पुलिस द्वारा भेजा जा रहा है, जबकि एसपी डीएसपी आईजी यहाँ पर सभी मौके पे मौजूद हैं, परंतु सरकार के कहने कहीं ऊपर से निर्देश है, राजनीति का है कि इनको यहाँ से किसी प्रकार का हटाना नहीं है या कोई लाठीचार्ज नहीं करना है, परंतु हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है इन दलितों द्वारा, ये बिल्कुल ही शर्मनाक है। बहुत शुक्रिया केसीआरए तमाम जानकारी के लिए। तो मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि सरकार दलितों पर अत्याचार कर रही है और साथ ही इस मामले में उन्होंने रिव्यू पटिशन दायर करने की भी मांग उठाई है। तो वहीं आपको बता दें कि एससी एसटी एक्ट में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बड़ी संख्या में दलित संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। दरअसल पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट का गलत इस्तेमाल होने पर चिंता जाहिर करते हुए इसमें कुछ बदलाव किए थे। कोर्ट के इस फैसले पर दलित संगठन कानून को कमजोर करने की दलील दे रहे हैं और लगातार विरोध में आवाज उठा रहे हैं। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो देश भर के अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पटना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें हैं। इसी तरह की तस्वीरें देश भर से आज देखने को मिल रही है, जहां पर आज भारत बंद का असर देखा जा रहा है और साथ ही जगह जगह आगजनी और हिंसक झड़पों की खबर भी सामने आई है। कहीं पर हाईवे जाम कर दिए गए हैं तो कहीं पर ट्रेनें रोकी जा रही हैं। इसी तरह की तस्वीरें जो है देश भर से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इसके चलते धारा 144 और इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई हैं कई जगहों पर, और आज भारत बंद का असर जो है वो देखा जा रहा है। और ये कुछ तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और ऐसी ही तस्वीरें देश भर से निकलकर सामने आ रही हैं।